हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के इस वाले रेफरेंस फोटो की ड्राइंग करेंगे। तो गाइज, इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली अनुपम के स्केच बुक वाले A4 साइज के पेपर का यूज करेंगे। एंड गाइज, इसी के साथ इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली ग्रिड मेथड का यूज करेंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों को भी इसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करना है तो सिंपली इसी रेफरेंस फोटो की लिंक आपको सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहां से इजिली इस रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर लेना। तो चलो गाइज, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपली ड्रॉइंग सीट में ग्रिड लाइंस को ग्रेड करने के लिए सबसे पहले पेपर के ऊपर की तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद ऊपर की तरह नीचे भी वैसे ही मैं 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक ही मार्क कर ले रहा हूँ। बाकी गाइस, इसके बाद मैं सिंपली पेपर के दोनों तरफ वैसे ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करूंगा, पर इस बार मैं पेपर के दोनों साइड 2 सेमी छोड़ छोड़ के 28 सेमी तक मार्क कर ले रहा हूँ। पेपर पर चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के कंप्लीट मार्क कर लेने के बाद अब मैंने सिंपली ये जो पेपर के दोनों साइड मार्क किया है, इन मार्क को मैं आपस में एक स्ट्रेट लाइंस में मैच कर रहा हूँ। इसके बाद यही सेम चीज अब मैं पेपर के अपोजिट साइड में भी कर रहा हूँ। पेपर पर दोनों तरफ लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो पर जो ये दोनों तरफ 1 2 3 करके नंबर दिख रहे हैं, ऐसे ही सेम नंबर मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी लिख रहा हूँ। तो गाइज, मैंने सिंपली रेफरेंस फोटो जैसे कंप्लीट ग्रिड लाइंस अपनी ड्राइंग शीट में भी अप्लाई कर दिया है। इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर इस ड्राइंग को इस आई से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सिंपली ये आई किस बॉक्स में है एंड गाइज में सेम उसी नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो गाइज यही नंबर मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी काउंट कर ले रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो गाइज मैं सिंपली इस नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। Thank you.
Thank you.